वहीं बजट सत्र के आठवें दिन भाकपा माले के विधायक हमलावर हो गए हैं। भाकपा माले के विधायकों ने अपने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छात्र और युवाओं की आवाज दबाना बंद करे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी भाकपा माले के विधायकों ने मांग की है। में साफ देख सकते हैं, विधानसभा के आठवें सत्र के दिन भाकपा माले के विधायकों ने बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ बैनर लेकर प्रदर्शन किया। आज सदन के बाहर उन्होंने, जो तमाम भाकपा माले के विधायक हैं, उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हुए और साथ ही साथ जो युवाओं के को लेकर जो बेरोजगारी की बात हमेशा से सामने आती है कि बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका विरोध भी भाकपा माले के विधायकों ने किया है। राज्य सरकार से ये मांग भी की है कि जल्द से जल्द युवाओं को जो है रोजगार मुहैया कराया जाए। और इस पर भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उत्कर्ष, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, भाकपा माले के विधायकों ने आवाज उठाई है युवाओं के हक में, बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है, क्या कुछ और सामने निकलकर वहां से आ रहा है भाकपा माले के विधायकों की तरफ से? जी हाँ ऋतिक, जिस तरीके से आज बजट सत्र का आठवां दिन है, जहां पे शुरुआत होने से पहले ही भाकपा माले के विधायक का जो तेवर था वो काफी आक्रामक था। एक तरफ कल जिस तरीके से छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने उनसे बदसलूकी की, जितने भी भाकपा माले के विधायक थे जो उनके समर्थन में गए थे उनसे भी धक्का धुक्की की गई और उन्हें भी कुछ हद तक चोट भी आई है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा इस बातों को गंभीरता से लिए और आज मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखी भी कि जिस तरीके से आप लोग ये जो छात्र हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि 19 लाख नौकरियां देंगे छात्रों को, बेरोजगारों को, और आप दूसरी तरफ छात्रों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं और आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, यह तो काफी दुखद है। जी उत्कर्ष, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार जो है छात्र और युवाओं को लेकर जो है लगातार उनका कहना भाकपा माले के विधायकों का कि सरकार आवाज दबाना चाह रही है युवाओं की, अब आगे क्या कुछ करेंगे भाकपा माले के विधायक, क्योंकि आज बजट सत्र के दौरान सदन में उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है बेरोजगारी को लेकर, तो अब अगला क्या कदम भाकपा माले के विधायक उठाएंगे सरकार को के खिलाफ और युवाओं के हित में? जी हाँ ऋतिक, भाकपा माले के विधायक ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री आम जनता की बात नहीं सुनेंगे, विधायक की जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनेंगे, तो हमें कुछ अहम ठोस कदम उठाने होंगे। जिस तरीके से कल छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जितने भी तमाम विधायक हैं, चाहे वो विपक्षी दल के हों, वो सभी एकजुट होकर बोल रहे हैं कि हम रोड पर आके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और उनके हक को लेके रहेंगे। जी, तमाम जानकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्कर्ष।